हाय बच्चों, कल आपका मेन एग्जाम है और कैसे लास्ट मोमेंट आपने नेगेटिव मार्किंग को हटाना है और एग्जाम में एलिमिनेशन ऑप्शन यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट करना है। 8 या 10 पॉइंट लेकर आई हूँ, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिए। बैठकर ये पॉइंट्स ही बना रही थी मैं सारे आप लोगों के लिए, तो मैं 8-10 पॉइंट्स लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनिए। नंबर वन, जब कभी भी एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आए, यूजुअली अगर आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करोगे, तब बैठ के ध्यान से देखोगे, तो आप 2 या उससे ज्यादा ऑप्शंस को हटा पाओगे। 2 ऑप्शंस को आप बहुत इजीली डिलीट कर पाओगे, तो ध्यान देना, आप बच जाओगे 1 या 2 ऑप्शंस के साथ जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करनी है, 2 ऑप्शंस आप इजीली हटा दोगे। नंबर 2, जब भी कभी ऑल द अबव होगा, 90-95% चांस है कि ऑल द अबव आंसर होगा। अगर ऑल द अबव नहीं है, बोथ द अबव, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन वही आंसर रहेगा। अगर कभी भी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो 2 या 3 ऑप्शंस को लेकर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं आंसर करना, सोचना भी नहीं आंसर करने के बारे में। अगर एक ऑप्शन तक किसी तरह आप आ रहे हो तो ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो सोचना भी नहीं है। अगर 2 या 3 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो हल्का सा, पर 3rd ऑप्शन तो सुना ही नहीं है कभी, या 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो पर 2nd ऑप्शन पता भी नहीं है, कभी ये वर्ड भी नहीं सुना, ना मेरी क्लास में सुना है, ना अपने NCERT में सुना है, कहीं वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, उसे हटा दो। अगर ऐसा कोई वर्ड एग्जाम में आ गया है, वो एग्जामिनर ने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि 5th क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो उसमें ऐसा कुछ हो गया जो 25th क्वेश्चन का आंसर दे देगा, 25th क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ गया जिससे 3rd क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। बी अवेयर, क्वेश्चन को 2 या 3 बार जब भी कंफ्यूज हो 2-3 बार पढ़ो, कई बार उसी में आंसर आने के चांस होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ, अगर वैल्यू नहीं निकल पा रही है, यूनिट्स पे ध्यान दो, यूनिट पे ध्यान दोगे डेफिनेटली आंसर निकल जाएगा। कभी भी ऐसा मत करना जो मैंने बोला ना, डोंट आंसर, अगर 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो बिल्कुल भी आंसर मत कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसा मत कीजिएगा कि पैनिक में आंसर कर रहे हैं। अगर आपके 90 क्वेश्चंस में से मान लीजिए 78 ठीक है, आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को और करना है, 84 पक्का करके आना था, 80 पार करके आना है, पैनिक में जब भी आप लोग आंसर करोगे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार गट कहते हैं यार यही आंसर है, ऐसा मत करना, मतलब गट ना बड़ा, मतलब कई बार आंसर दे भी देता है, आपको पहले लग रहा है बी, फिर आपको लग रहा है नहीं बी ठीक है ए, एकदम से अपने को क्वेश्चन कर, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई ये नहीं कह सकते ये गट हमेशा करेक्ट होता है, गट करके आ जाना, क्या पता उसके बाद सोच रहे हो थोड़ा और दिमाग लड़ा है, सी है। सो जब भी लगे कि यार बहुत कंफ्यूजन है, आंसर मत कीजिएगा। अगर आप ठीक से करके आ चुके हैं और फिर भी सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि नंबर मिनिमम उतने आ जाए, मैंने सोचा था 80 क्वेश्चन करके आऊंगा, मत करिएगा। फॉलो दीज टेक्निक्स, आई होप इट हेल्प्स यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।